रेप होया मर्डर होया ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ 200-300 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੂਦੀਨ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰੂਕ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਪੰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ मैं इस मसले बारे ये कहना चाहना भी व्हाट्सएप के उत्ते जो आसिफा केस कठुआ कांड सजा हुई है मुजरमान उस दिन तो व्हाट्सएप के उत्ते लोग ये मुबीन फरूकी को इसका हिसाब मंग रहे थे मैंने भी दो दिन देखा वो लगातार हिसाब मंगया जा रहा है कुछ लोग मेरे को भी है बतौर MC भी भाई MC तू भी ये हिसाब पूछना मैं जो इन हिसाब पूछा तो इन्हें मैनू बहुत गलत यानी कि गल्ला बोलिया व्हाट्सएप के उत्ते जोड़े कि मतलब दफाफी साहब ने मेरे को भी ने सिटी वन के भी दिखाई ने तो उस बाद इन्हें मेरे अपने शनिवार वाली रात में बहुत बड़ा हजूम लिया के लोगों भड़का के मेरे घर के उत्ते हमला किया दीवारा टप्पिया दीवार खोली मेरे घर के उत्ते पूरा हमला किया और मैनू मेरे घर के सहम गए ये मेरे भरा भी थे मैं घर के नहीं थी इस करके मेरा बचाव हो गया मेरे घर के डरे हुए इस करके ये जड़ा कह रहे हैं भी मैं बेकसूर हाँ बिल्कुल गलत है इन्हें बाकायदा मेरे घर के सामने खड़ के एक मूवी भी बनाई लोगों को सुनाने मैं भी दिखा पूरा मसला एक ही है पूरा मसला सारे के सामने ही है ये जो केस कठुआ गैंग रेप एंड मर्डर केस शहर की सारी आवाम साढ़े नाल वादा किया पीड़ित परिवार को कि इंशाला इंसाफ दिलाऊंगा तो उस तहत ही यह केस लड़िया गया केस के अल्लाह ने इज्जत दी केस के सजा हुई जोड़े मुजरम से जिस दिन यह केस की जजमेंट आनी थी उस तो 5 दिन पहले ही इन्होंने साजिश शुरू कर दी मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्होंने बयानबाजी मेरे खिलाफ इल्जाम आदि लाने शुरू कर दते कि 7 मुजरम से बरी हो गए मुबीन फारूकी बिक गया पता नहीं की कैसे कैसे इल्जाम मैं सोच भी नहीं सकता और मैं इन्होंने जदों भी कहा मैं कहा तुम पहला फैसला आओ उस तो बाद कोई ना कोई जोड़ा भी इल्जाम लाने लगा तो फैसला आया सारे दोषियों में एक बरी हुए और बाकी दोषियों को सजा हुई चलो असी ये खिलाफ भी अपील के बीच हम जा रहे हैं और जिस दिन का फैसला आया उस दिन तो बाद इन्होंने लगातार मैनू ग्रुप्स के ऐड करके बहुत ज़्यादा मैनू गाली गलौज किया मेरे दे इन्ने ज़्यादा गलत इल्जाम लगाए मैं इन्होंने कहा भी तुम एक भी साबित कर लो कोई भी इल्जाम तो मैं जो कहूँगे मैं मगर इन्होंने को अज तक एक इल्जाम भी साबित नहीं होया तो इन्होंने की किया बार बार जो अगे वधी गए मैंने 20 तरीक न एक DSP मलेरकोटला साहब को एक दरखास्त दी कि बंदे मैं व्हाट्सएप ग्रुपां दे विच मेरी मर्जी के खिलाफ ऐड करके उत्थे मैं गाली गलौज कर रहे हैं मैं जानों मारन दी धमकियां दे वो दरखास्त मैं दी गई मेरे को इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है दरखास्त और उस तो बाद इन्होंने इन्होंने हौसले इन्ने वध गए 20 तरीक की दरखास्त तो बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिता कि ऐसिया दरखास्तों तो आदि ही रहदियां ने भी असी कोई गल नहीं असी किसी तो नहीं डरते ना पुलिस तो ना किसी तो डरते इन्होंने सानू फिर दोबारा मैंने धमकाना शुरू कर 22 तरीक में इन्हों के हौसले इन्ने वध गए एक अपने एक झूठा एक बैनर बना के इल्जाम लगा के जेडे पहला ऑडियो के इल्जाम लगाते थे उ इल्जाम का एक बैनर बना के ये जिदे नीचे किसी का नाम किसी का नंबर किसी के कोई जिम्मेवारी नहीं लिखी हुई सी और झूठे एलीगेशन लगा के बैनर लगाने लग गए शहर के मैं जो पता लग्या मैं इमीजिएटली पहला देखो असी कानून किसी ने भी हाथ के ना अच तक लिया ना असी लिया असी इमीजिएटली मैंने SSP साहब संगरूर में गल की मैं कह जी इदा कुछ बंदे जो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और मैं लगातार धमकियां दे रहे हैं वो हूँ इन्नी हद तक उतरे ये मैं दरखास्त भी दिखाई ने हाले तक देखो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और यह बैनर लगा जा रहे हैं तो उन्होंने इमीजिएटली उतों नाल फोर्स भेजी तो असी सट्ठे बाजार के नाल फोर्स साढ़े पुलिस फोर्स का इंतजार किया उतों कट्ठे हो गए असी जिते जिथे इन्होंने बैनर लगाए थे उतों असी बैनर उतारन चले गए
इस सिलसिले के भूमसी चौंक के भी है ना, भूमसी के एरिए भी जिले वालों एफ आई आर दर्ज है बंदे वालों, इन्हें उत्थे भी बैनर लगाए हुए थे। असीं उत्थे जाके बैनर उतार के असीं वापस सरौत चौंक वल्दी होंदे हुए जिथे जिथे सानूं पता लगे इनफॉर्मेशन मिली भी इत्थे इत्थे बैनर लगाते फिरदे ने, पुलिस साढ़े नाल सी और असीं जाते जाते सारे कितों बैनर उतार के असीं जाके सिटी वन दे विच दुबारा एक दरखास्त दी कि वह बैनर नाल लगा के या देखो साढ़े ते झूठे एलीगेशन ला के बिना किसी नाम किसी नंबर लिखे कि साढ़े खिलाफ़ झूठे कहो प्रोपोगंडा करने बैनर लगा रहे, तो वह दरखास्त के उपर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अज मैं पता लगे उल्टा साढ़े उपर एक झूठा परचा दर्ज कर दिता गया। यह परचा दर्ज कोई उतों ही भूमसी के बच्चों कोई बंदा, मैं नाम भी ऐसे बंद का लैना मुनासिब नहीं समझता, ये हाईलाइट होने भी फिरते हैं जान बुझ के। तो ये बंदे ने जिन्हें परचा दर्ज कराया उन्हें एफ आई आर लिखाया हुआ कि 11 बजे मैंने आके मेरे घर इन्होंने कुटमार की और मेरे घर के अंदर दाखिल होकर भी मैंने कुटमार करके भी फौजदारी की, फौजदारी का परचा जो दर्ज हुआ 400। मगर 11:49 इस बंदे ने मैंने कॉल की, मेरे को रिकॉर्डिंग पी, सारा मेरे को डाटा पे, इलैक्ट्रॉनिक डाटा वो तो डिलीट नहीं हो सकता, इन्हें कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप से जो पाए सो डिलीट किए मगर वो भी साढ़े को सेव हो गए सारा कुछ। तो इन्हें मैंने कॉल की वो मैं बल्कि खुद पूछ रहा है भी तुम मेरे घर आए से, ठीक है देखो कि बड़ा धक्का कि ज्यादती है, पुलिस ने बिना इनवैसटीगेशन किए बिना कोई इनकुआरी किए सीधा ये बयान के उपर परचा दर्ज कर दिता बिना किसी गवाही तो, और देखो एडे सीरीयस ऑफेंस के तहत परचा दर्ज किया। और मैं नहीं मानता कि पोलीटिकल इन्फ्लुएंस तो पोलीटिकल के प्रभाव तो बिना यह परचा दर्ज होया, सिर्फ बयान के उपर मेरिया जैनुअन दरखास्त मैं नाल रिकॉर्ड ला के दिता भी आह बंदे मैंने जानों मारने की धमकियां दे रहे हैं, मेरी दरखास्त हाले तक कोई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई है ना दोषियों के खिलाफ बंदे के खिलाफ, और मेरे खिलाफ़ सिर्फ ये चाहते ही इन्हों का प्लैन यही सगा भी मुबीन जिस दिन शहर के मैंने पहले इन्होंने लोग जो सीनियर बंदे ने शहर के उन्होंने मैंने समझाया कि तुम इन्हों रिप्लाई नहीं करना कोई जवाब नहीं देना, मैं कोई इन्हों जवाब नहीं दे रहा, इन्हों की साजिश यही सी जिस दिन यह शहर के निकलूगा उस दिन ये खिलाफ़ अभी परचा दर्ज करा देंगे भी जोड़े जोड़े बंदे मेरे खिलाफ़ बोलने उन्होंने घर के अगे भी निकलूगा परचा दर्ज करा देंगे, उ इन्होंने काम किया, ठीक है। उस बंदे के खुद घर के कैमरे लगे हुए साढ़े को मूवी पई है सारा कुछ पे है, उन्हें अपने घर के बाहर बैनर लाया हुआ अभी जो घर के बाहर भी गए हैं तो वह बैनर भी उतारिया जाना सी, अज भी लगे हुआ है वो मूवी और सारा कुछ अभी बना चुके हैं सारा साढ़े को रिकॉर्ड पे है, जेडे वे बंदे के घर के अंदर कैमरे लगे हैं वो भी पुलिस ने कोई कैमरे की फुटेज नहीं ली कोई उन्हें आले दुआले वो नहीं किया सीधा परचा दर्ज करके मेरे घर के उपर होर सारे ठीक है इन रेड्स करवाइया इन्नी फोर्स लैके रेड करवाइया जिमें मैं बहुत बड़ा कोई टैररिस्ट होना या मैंने उस बच्ची का केस लड़के मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहना मैं आवाम या मैं जो इंसाफ पसंद लोग ने जो जस्टिस फॉर आसिफा लिख के उस बच्ची